हाँ जी बेटे, गुड मॉर्निंग। टुडे टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ अगेन एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अनदर एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन दैट इज़ योर रिजिड रोटर। बेटे एक चीज़ तो क्लियर है कि जिहड़ा रिजिड रोटर ते हारमोनिक ऑसीलेटर च की फ़र्क है। नाम तो ही पता लग रहा रिजिड। रिजिड का मतलब हैगा जिहड़ा कि जिस लचकीलापन अलास्टिसिटी घट हो गई। तो बेटे जबकि सिंपल हारमोनिक मोशन च मैं थोनू दस्या सी ऑसीलेटर दे विच वन डिमेंशनल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो आप हारमोनिक ऑसीलेटर ते लगाई सी तो मैं थोनू उत्थे दस्या सी कि वो स्ट्रैचेबल स्ट्रिंग नाल अटैच हुंदा है, मे बी क्वायल, मे बी स्प्रिंग, मे बी इलास्टिक। बट इन दिस रिजिड रोटर इरे विच बेटे स्टील रॉड नाल दो एटम्स लगनगे, क्योंकि जिहड़ी स्टील रॉड है या आयरन रॉड है नॉन अलास्टिक होंदी है। अगर तुसी बेटे 153 इक्वेशन देखो, सारयां नूं पता है काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्केयर होंदी है, वी आर ओमेगा होंदा है। और अगर तुसी अपनी वी दी वैल्यू पुट करो और थोनू पता लगेगा हाफ एम आर स्केयर ओमेगा स्केयर आएगा। एम आर स्केयर अपना इनर्शिया होंदा है। सो इनर्शिया दे फॉर्म च लिखी हुई है हाफ आई ओमेगा स्केयर। और सारयां नू पता हैगा ओमेगा नू आपा एंगुलर मोमेंटम दे विच आराम नाल लिख सकते हैं। सो इक्वेशन नंबर 153 थोनू काइनेटिक एनर्जी बारे इशारा करती है। पर थोनू पता हैगा जिहड़ा हैमिल्टोनियन है ये एक ओपरेटर है, तो नैचुरली अगर आप श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की गल करिए तो पुराने पोस्टुलेट्स की गल करिए जिमें कि एच कैप साई इज इक्वल टू ई साई, तो जिहड़ा बेटे एच हैगा ये कॉम्बीनेशन है काइनेटिक एनर्जी का तो पोटेंशियल एनर्जी का। इसी करके 154 इक्वेशन इन्हे टी प्लस वी इज इक्वल टू एल स्केयर अपॉन टू आई लिखा है। हुन सवाल उठता है कि आप एल स्केयर नूं किवें कोआर्डीनेट करिए। देखो जिहड़ा ये एल स्केयर हैगा ये एक तरह का अपना ये कह लो एंगुलर मोमेंटम है। और एल स्केयर ते एल जेड कैप बेटे ये बहुत अच्छे ओपरेटर मन्ने गए ने क्वांटम दे विच। जे आपा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम देखिए तो उत्थों दी ये इक्वेशन 155 मिलती है। और जदों असी इस नूं एच कैप साई इज इक्वल टू ई साई जो कि श्रोडिंगर दी फॉर्म च कंसीडर किया तद बेटे सिंपल जी गल है एच दी आपा वैल्यू लिखती, क्योंकि एच दी वैल्यू हैगी है अगर तुसी 154 इक्वेशन देखो एल स्केयर अपॉन टू आई है, तो एल स्केयर दी वैल्यू 155 तो लै ली तो उसनू डिवाइड करता टू आई दे नाल ते ए बन गई तुहाडी 156। हुण बेटे जिमें कि मैं सिंपल हारमोनिक ऑसीलेटर दे विच थोनू कहा सी जिहड़ी 156 है ये एक इक्वेशन नहीं है, ये एक सोल्यूशन है। तो इस एक सोल्यूशन किस इक्वेशन का है वो हैगी है 157। सो 157 का जिहड़ा सोल्यूशन है 156 है। और नैचुरली इन्हें अलग अलग लिखिया। और ये तुसी अगर तुसी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम देखो, आई रिपीट 1/r² डेल डेल आर स्केयर डेल फाई डेल आर प्लस 1/r² साइन थीटा डेल फाई डेल थीटा प्लस 1/r² साइन स्केयर फाई डेल स्केयर फाई अपॉन डेल फाई स्केयर प्लस 8π² म्यू अपॉन h² ई माइनस बी साई इज इक्वल टू जीरो। तो बेटे जे आप उत्थों की फैक्टर चकीए तो ये उही चीज़ बन गई है। एक पासे आप थीटा लै लिया, एक पासे आप फाई लै लिया। हालांकि थीटा ते फाई च ज़्यादा फर्क नहीं हुंदा, सी थीटा थोड़ा प्लेन एंगल है जबकि फाई की हैगा सॉलिड एंगल हैगा।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 158 ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈ ਹੈਗਾ ਵੇਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਥੀਟਾ ਅਤੇ ਫਾਈ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਸਫੈਰੀਕਲ ਪੋਲਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਬੇਟੇ ਪਿਛਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਸਫੈਰੀਕਲ ਪੋਲਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 158 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੰਸਿਡਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਟੂ ਸਭ ਵੇਵ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਥੀਟਾ ਥੀਟਾ ਅਤੇ ਫਾਈ ਸਮੋਲ ਫਾਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬੇਟੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 157 ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸਨੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਤਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 158 ਨੂੰ 157 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 159 ਬਣ ਗਈ। ਦੇਖੋ 159 ਬੜੀ ਹੀ ਅੱਛੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਜਿੱਥੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਕਿੰਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਐਂਗੂਲਰ ਕੁਆਂਟਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਬੇਟੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਓਸੀਲੇਟਰ ਤੋਂ 0 ਪੁਆਇੰਟ ਐਨਰਜੀ ਨਿਕਲੀ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਵੀ ਅੱਛੀ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬੇਟੇ 0 ਪੁਆਇੰਟ ਐਨਰਜੀ ਕੀ ਹੈ, ਹਰ ਬੱਚਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਬੇਟੇ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀ ਸੀ, ਨੋਬਡੀ ਵਿਲ ਆਨਸਰ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਸਿੰਪਲ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਓਸੀਲੇਟਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਸੀ। ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿ ਬੇਟੇ ਐਂਗੂਲਰ ਕੁਆਂਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਪੇਸ ਕੁਆਂਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਫਟਾਫਟ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਇਹ ਕੰਸੈਪਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਵਾਬ ਹੈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 159 ਦੀ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ -1/5 ਸੈਕਿੰਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਫ ਫਾਈ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਫਾਈ ਸਕੇਅਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਪੇਸ ਕੁਆਂਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲਏਗਾ। ਅਗਰ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਬਿਊਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਥੀਟਾ ਵਾਲਾ ਟਰਮ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਐਨਰਜੀ ਵਾਲਾ ਟਰਮ ਫੈਕਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਪੇਸ ਕੁਆਂਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੇਟੇ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰਸ ਆ NL ਅਤੇ M ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਪਿਨ ਨੂੰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇਖੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 159 ਜੋ ਕਿ ਇਸਨੇ 160 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਏਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਐਮ ਸਕੇਅਰ, ਜੋ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਂਸਟੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਐਮ ਸਕੇਅਰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 160 ਬਣ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਸਪੇਸ ਕੁਆਂਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 161 ਦੇਖੋ, ਉਹੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ 159 ਦਾ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਮਡਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੈਮਡਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ H/mv ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਰਜੀ ਫੈਕਟਰਸ ਲਗਾਈਏ ਤਾਂ 8π² IE/h² ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੇਟੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਅਸਪੈਸ਼ਲੀ 160th ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੇਸ ਕੁਆਂਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸਦਾ ਜੋ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਬਣਿਆ 162 ਬਣਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਟੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੇਸ ਕੁਆਂਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫੈਕਟਰ। ਬੇਟੇ ਐਮ ਇਜ਼ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕਰਵ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਕੇ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਦ ਇਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸ਼ੋਅ ਕਰੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਸਿੰਪਲ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਓਸੀਲੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਹੁਣ ਨੈਚੁਰਲੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਥੇਮੈਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਾਈ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਉਸਨੇ 5+2π ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੋ ਵੀ ਹੋਈ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਬਿਟਲ 'ਚ ਘੁੰਮਣਾ, ਔਰਬਿਟਲ ਬੇਟੇ 360 ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡੰਬਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਡਬਲ ਡੰਬਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਫੈਰੀਕਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਨੇ ਇਹ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ
माइनस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, माइनस वाई एक्सिस ते जेड एक्सिस होते हैं और माइनस जेड एक्सिस। सिमिलरली बेटे इसने फाई प्लस टू पाई लिता तो ऊलर्स थ्योरम लगाई। सारा नू पता ऊलर्स थ्योरम की होंगी है, ई एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स, ई थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। हूँ बेटे इसने ऊलर्स तो क्योंकि नैचुरली आप इसका कोई प्रूफ तो करना है, उसने अपने क्वांटम दे पोस्टूलेट लिते, नॉर्मलाइजेशन लगा देती, क्योंकि स्पेस क्वांटाइजेशन जड़ी निकली है बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 162 उसने इरा कॉम्प्लैक्स कंजुगेट लिता, माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी लिता ते डेरिवेटिव करके वन पुट करता और इतों की जड़ी एक्सप्रेशन कड़ी दैट इज़ कॉल्ड एंगुलर क्वांटाइजेशन। हुन भी थोनू पता हैगा कि जो भी कोई भी इलेक्ट्रॉन अपना बिहेवियर शो करता उरी क्वांटाइजेशन एल एल प्लस वन अंडर रूट एच अपॉन टू, एच बार अपॉन टू, एच बार एच अपॉन टू पाई होंदा। सो एक तरह की यह इक्वेशन बन गई। देखो बेटे हुन इत्थे जाके 171 इक्वेशन ते इसने एलैबरेट किया और ये एसोसिएटेड लजेंड्रे पोलिनोमियल बन गया। बेटे ये सारा कुछ कर क्यों रहा? ये एक तरह का हरमीशियन है, हैमिल्टोनियन है, तो ये एक लजेंड्रे पोलिनोमियल है। लजेंड्रे पोलिनोमियल नू ही लोगारे वेव फंक्शन कहते हैं। कल भी मैं अपनी वीडियो दे विच गल की सी। सो अगर तुहानू कोई पूछे लोगारे वेव फंक्शन की है, तुसी 171 लजेंड्रे पोलिनोमियल्स दे सकते हो। हालांकि थोड़ा बहुत डिफरेंस होता हैगा, आपां किसी होर वीडियो स्पैशल वीडियो आपां डिस्कस करांगे। बेटे इहदे विच बड़ी खासियत है क्योंकि साफ लिखिया राइट हैंड साइड पर इक्वेशन नंबर 171 पर पी एल एम कॉस थीटा। बेटे ये प्रोबेबिलिटी है और थोनू पता हैगा कि जिहड़ी प्रोबेबिलिटी है यही सानू दसदी है कि जिहड़ा इलैक्ट्रॉन है उसका की बिहेवियर है। इक्वेशन नंबर 172 तुहाडे फैक्टर्स नूं डिफाइन कर दिया थीटा ते फाई इन टर्म्स ऑफ लगारे वेव फंक्शन। कुछ लोग इसनों टेढ़ी जी वाई करके लिख लेंदे आ, कुछ लोग गामा लिख लेंदे आ, एल एम कॉस थीटा, पी एल एम कॉस थीटा और जड़ा एम है मैगनैटिक क्वांटम नंबर का। ये एक खासियत है जरा ध्यान ना सुनना, एम दे नाल मॉडुलस पिया होया, क्योंकि नैचुरली थोनू भी पता है जो मैं फॉर एग्जाम्पल मैं पी का वन लिखना माइनस वन जीरो प्लस वन, ये जीरो अलाउड है, वन अलाउड है, पॉजिटिव नंबर अलाउड ने क्योंकि मॉडुलस मीन पॉजिटिव नंबर या राइट और माइनस इज नॉट अलाउड। हाँ जी बेटे हुन आप अगे चलते हैं। आप नैचुरली लगारे वेव फंक्शन बारे गल की सी और लजेंड्रे पोलिनोमियल ते पहुँच गए। उस तो बाद आपा देखिया कि जिहड़ी रिजिड रूटर है, क्योंकि थोनू मैं पहला भी दसिया कि जिहड़ा क्वांटम है बेटे ये जिहड़ी क्वांटम है ये उस तो क्वांटम नंबर मिले सी। चाहे कोई भी इक्वेशन है इसका बेनीफिट यही है कि ये सानू एनर्जी दे ते क्वांटम नंबरस दे, फिर ये बिल्कुल खरी है नैचुरली। फिर आपा कहांगे कि ये बिल्कुल एप्लीकेशन एक बिल्कुल खरी उतरी है। तो नैचुरली जो असी इस तो एनर्जी कैलकुलेट की इन टर्म्स ऑफ क्वांटाइजेशन आई, जो कि इक्वेशन नंबर 173 दे विच इन्हें अपना एंगुलर क्वांटाइजेशन दे फॉर्म्स लिखिया, तो 174 बी दे विच इन्हें जे दे नाल उसनू कंसीडर कर दिता है। तो बेटे जो इतों की सानू वैल्यू आ गई जे दे नाल ता अल्टीमेटली तोड़े कोल एक तरह की एनर्जी आ गई और तुसी एनर्जी कढ़ ली रिजिड रोटर की। देखो कई बार न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं जे जे प्लस वन एच बार स्केयर अपॉन एच स्केयर अपॉन एट पाई स्केयर आई, ठीक है, और एच स्केयर है आई रिपीट ई जी इज इक्वल टू जे जे प्लस वन एच स्केयर अपॉन एट पाई स्केयर आई। बेटे एक तरह के जे आप स्टैटिस्टिक्स देखिए, आप ट्रांसलेशन मोशन देखिया, रोटेशन मोशन देखिया, कुछ हद तक जिहड़ा पैटर्न है ये रोटेशन मोशन दे नाल कंसीडर होता है।
राइट। सो रोटेशन मोशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जिहड़ा रिजिड रोटर है इसकी ए एनर्जी है, इस एनर्जी दे विच वेव पैकेट्स दे विच क्वांटाइजेशन होंदे हुए ए साडे कोल अवेलेबिलिटी बनती है ते असी एनर्जी रिजिड रोटर दी आराम नाल कढ लैंदे आ। लकीली ये थोड़े टफ टॉपिक ने बट थोड़े ने इस करके इस नू लर्न ना करना, पहला समझना, और नैचुरली यू हैव प्लेंटी नंबर ऑफ आवर्स, ठीक, इनू रिवाइज़ करना और लर्न करना करन दे लई ना सोचना, जे जस्ट मेक ए स्मॉल नोट्स, रीड इट, अंडरस्टैंड इट एंड अगेन रिवाइज इट। डोंट रश फॉर द क्रैमिंग।